There's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही रहेंगे। बाकी मैं शिव आप लोगों का स्वागत करें दोस्तों मेरा प्यारा सा इस ब्लॉग में। तो बहुत दिन का बाद में दोस्तों आज हम लोग का बिल्लो रानी घर आने वाली है और उसी को लाने के लिए हम जा रहे हैं। तो बैग भी पकड़ लिए हैं, बैग में एक एक्स्ट्रा बैटरी है गाड़ी का, क्योंकि अभी हमको बैटरी चार्ज करना पड़ेगा। गाड़ी हम लोग का झिरपानी में और उसको लेकर के जाना है शोरूम। मेरा ख्याल से 4 तारीख ही खराब हुआ था गाड़ी, तो कल शायद 1 महीना होगा। तो सोचो 1 महीना हम लोग का घर में बिल्लो रानी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरा 1 महीना। और अभी रहा नहीं जा रहा है क्योंकि हमको देखना है और उसको राइड भी करना है। तो बहुत ज़्यादा हमको खुशी लग रहा है कि आज हम लोग का बाइक आने वाला है घर। ये रहा हम लोग का बिल्लो रानी। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर बैटरी लगाते हैं और निकलते हैं, बहुत ही गंदा हो रखा है। बैटरी लगा ठीक है, और चलाए कहीं जाती। तो यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाते हैं और निकलते हैं, जल्दी जल्दी बनवाते हैं और घर जाएंगे। इधर है भाई, साथ में हम लोग आए हैं। हम लोग लगा लिए यहाँ पर पुराना बैटरी और नया बैटरी यहाँ पर है। तो इसको अभी चार्ज में देना पड़ेगा 1 घंटा, क्योंकि दोनों बैटरी के नहीं रहेगा तो फिर नहीं होगा। हम घर से आए तो दोनों बैटरी लगा था, तो इसीलिए रिक्स में नहीं जाएंगे। वो बैटरी को भी चार्ज करना पड़ेगा। ऑलरेडी ये बैटरी तो चार्ज है, फिर भी हमको वो भी चार्ज करना है और दोनों को ले करके जाना है। तो अभी ये वाला बैटरी को ले करके जाएंगे, फिर चार्ज बिठाएंगे, फिर जाके शोरूम हम लोग पहुँचेंगे। बैटरी हम लोग यहाँ पर चार्ज करने के लिए दे दिए हैं, अभी 1 घंटा और लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, फिर निकलेंगे शोरूम। आते हम पहुंच गए हैं KTM में, जहाँ पर सर्विस होता है वहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग का गाड़ी खोलाया जा रहा है, तो कितना देर लगेगा पता नहीं। तो जितना देर लगेगा अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत दिन का बाद में आज हम लोग का गाड़ी ठीक होने वाला है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कैसे काम किया जा रहा है उसको। हम लोग का गाड़ी का काम स्टार्ट हो गया और भैया बोले कि इधर का पूरा बाउजर खोलना पड़ेगा। तो एक एक करके खोल रहे हैं भैया, फिर देखेंगे अंदर में क्या चीज़ जला है। यहाँ पर इंजन खोलना गया और इंजन खोलने के बाद में थोड़ा सा मोबिल लीक हो रहा है, इसको फिर डालना पड़ेगा मोबिल को। तो ये जो है भैया काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक एक चीज़ वो कहाँ कहाँ पर लगा है वो सबको खोल रहे हैं, क्योंकि नहीं खोलेंगे तो नहीं खुलेगा। तो ये देख सकते हैं, ये कोयल है जो यहाँ पर लगा हुआ था, ये जगह पर, तो ये जगह पर लगा हुआ था और ये थोड़ा जल गया है वैसे बोला जा रहा है। तो खोलने के बाद में ही पता चलेगा कि जला है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है वो जल गया है, जिसका वजह से चार्ज नहीं हो रहा था। तो ये लगेगा अभी और लगने के बाद में फिर हम लोग का गाड़ी फिर से चकाचक हो जाएगा। फाइनली हम लोग का गाड़ी रेडी हो गया, तो फिटिंग हो रहा है। देखते हैं अभी कितना बिल हुआ है और क्या हुआ है, जाकर पता चलेगा। तो बहुत खुशी लग रहा है कि आज हम बाइक राइड करने वाले हैं। हम लोग का घर पहुंच गया बिल्लो रानी। तो काफी ज्यादा बारिश भी था, फिर भी भीग भीग के आए हम लोग। तो हम लोग का घर में आंगन में अभी हम लोग का बिल्लो रानी। इतना ज़्यादा बारिश दोस्तों, मेरा बैग भी भीग गया और हम भी भीगे हुए हैं, मेरा भाई भी भीगा हुआ है। और हम अभी एंट्री कर रहे हैं अपना रूम। तो अंधेरा है, पहले बॉल जलाते हैं। ओ, रूम का हालत तो देख सकते हो और मेरा हालत देख सकते हो दोस्तों, पूरा भीगा हुआ है, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक। और मेरा बैग भी भीगा हुआ है। तो सबसे पहले कागज पत्र सब निकालते हैं, बाइक का कागज पत्र यहीं पर ही है। और बारिश का वजह से उतना ज्यादा वीडियो हम बना नहीं पाए, जैसे हम लोग का बाइक बन गया वैसे ही दोस्तों काफी ज्यादा बारिश हुआ। इतना ज्यादा बारिश की हम वहीं पर ही लगभग 3 घंटा जैसे रुके और छूट ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग भीग भीग के ही निकले। तो थोड़ा बहुत भीगे हैं। एक्चुअली रौलकला तरफ ही बारिश हो रहा था, इधर साइड में उतना नहीं हो रहा था, जिसका वजह से ज्यादा नहीं भीगे। रौलकला से जैसे निकले इधर कम हो गया। तो चलो आज का वीडियो को यहीं पर लास्ट करते हैं, फिर मिलेंगे
आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।